हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर फ़ोन स्टोरेज शो कर रहा है, बाकी एसडी कार्ड आपको शो नहीं कर रहा। लगा हुआ बट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस ये प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत आसानी से। देखिए, आप यहाँ पर आप सेटिंग में भी जाएंगे तो आपको इसी प्रकार आपको दिखेगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ देखिए, हम एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे सामने एडिशनल सेटिंग आ गया। अब इसमें जाने के बाद जो हम स्टोरेज को देखते हैं, यहाँ से स्टोरेज, यहाँ पर भी फ़ोन स्टोरेज ही है, बाकी आपको एसडी कार्ड का आपको कुछ अदा पता नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये आपको पूरा कट करके आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को क्या है 30 सेकंड तक कंटिन्यू आपको प्रेस करना है, ठीक है। हम तो नहीं दिखा सकते क्योंकि इसी मोबाइल में प्रॉब्लम है और वीडियो नहीं हो सकता एक ही साथ, तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन आप ऐसा करें। देखिए, हमने ऐसा किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एसडी कार्ड आपको शो कर रहा है, फ़ोन स्टोरेज भी शो कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी इसी प्रकार रखना, आपको कम से कम आपको 30 सेकंड पावर बटन और आपको वॉल्यूम अप बटन को आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरा जो है रियलमी का फ़ोन है, बाकी जितने भी न्यू फ़ोन है सब में आपको इसी तरीके से काम करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका एसडी कार्ड यहाँ पर शो करने लगेगा। देखिए, हम स्टोरेज में भी जाकर देख लेते हैं। देखिए, स्टोरेज में जाने के बाद उस समय यहाँ पर फ़ोन स्टोरेज दिखा रहा था, नीचे नहीं दिखा रहा था। ये देखिए, हमारा एसडी कार्ड शो कर रहा है। एसडी कार्ड देख लीजिए, ट्रांसफ़र एसडी कार्ड आ चुका है। यहाँ पर एसडी कार्ड आपको शो करने लगा है। तो इस तरीके से आप जो है अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।